हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित और आज हम ड्राइव करने वाले हैं TNSTC। ये एक नया मोड है और आज हम इसका बढ़िया से ड्राइव करने वाले हैं, इसका ट्रायल रन लेने वाले हैं। कैसा है ये मोड? 67 MB का ये मोड है, पहले सुन लीजिए। और इसके साथ साथ स्क्रीन वगैरह, लिवरी वगैरह, काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसका डाउनलोड लिंक भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हो रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। और साथ ही साथ आप हमारे जो है दूसरे चैनल गेम गुरुजी 2.0 को भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी हम उस पर भी वीडियोस डालने स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, मोड काफ़ी बढ़िया है, मोड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये कन्वर्ट किया गया मोड है। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में रीड किया था, कन्वर्टेड बाई इन्होंने तो यार कन्वर्टेड बाई लिखा था, तो उसी वजह से लग रहा है कि ये कन्वर्ट किया हुआ है और क्वालिटी के हिसाब से भी ये कन्वर्ट किया हुआ ही लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ETS2 का यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलता है और यह थोड़े दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये बस मोड नहीं, ये पूरा गेम ही इंडियन बस सिमुलेटर बन जाएगा। दोस्तों, ये मोड है तो काफ़ी बढ़िया और ड्राइविंग में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग है। ऊपर आपको जो है बढ़िया से लगेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक यहाँ पर फील आपको आता है जब आप ड्राइव करते हैं इस मोड को। यहाँ पर आपको सारे जो कैमरा एंगल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं। हम पालन करेंगे यार भाई, ऐसा क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस लाइट को जाने देते हैं, देखते हैं कितने टाइम में जाती है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाया हुआ इंटीरियर है और साथ ही साथ यहाँ पर ड्राइविंग भी, इंटीरियर ड्राइविंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो मुझे काफ़ी पसंद आई। एक मिनट, वो रिक्शा कहाँ से आई? हाँ दोस्तों, रिक्शा वगैरह भी आ गई है अब, और तो क्या ही बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं क्या भाई, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाए रखे थे तो मैंने सोचा क्यों बनाऊं मैं, उसी वजह से मैंने ये रिक्शा वाला वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लैग यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है मुझे, जो तो मेरे अंदर पता नहीं कौन सी वजह से है, आपके अंदर भी होगा या नहीं होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। वैसे यहाँ पर मैं ओवरटेक कर रहा हूँ इस ईगल लग्जरी बस को आसानी से TNSTC में, और TNSTC यहाँ पर ठोकने को आई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हम ड्राइव कर रहे हैं। आगे से क्वालिटी देखो यार, काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया है और एकदम ओरिजिनल वाले लुक वाला है। चलो भैया, और कितनी देर करोगे? लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सही दी गई है इन लोगों ने, सही में सही सारी चीज़ें दी गई है इन लोगों की तरफ से। धीरे धीरे हम ओवरटेक तो नहीं कर पाएंगे, वैसे भी हम यार प्रॉपर तरीके से चलाते हैं कुछ, कभी कभार ओवरटेक कर लेते हैं। मैंने बोला था मैं ओवरटेक नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी गजब 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 चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो ये बॉय क्या बात है, मज़ेदार। अब इंटीरियर से थोड़ी देर ड्राइव करते हैं। इंटीरियर डिटेल में इस वजह से है कि एकदम ओरिजिनल टाइप का लग रहा है सारा कुछ इंटीरियर मुझे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और 3 एनिमेशन की भी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। वैसे रोड काफ़ी खाली खाली लग रहा है आजकल मुझे, तो आपको क्या लग रहा है यार? आप में से काफ़ी लोग मुझे रोज़ कमेंट करके पूछ रहे हैं कि वर्जन 3.6 के बारे में कुछ बताइए यार, ये रोड्स खाली है उसके बारे में कौन बताएगा, पहले ये बताइए। तो यार वर्जन 3.6 के बारे में भी आएंगे जब आएगा वर्जन 3.6। वैसे यहाँ पर कोई अभी हाल फिलहाल मेरे पास अपडेट नहीं है उसके बारे में, और फालतू की फेक चीज़ें बताना मुझे पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अपडेट में देखने को मिलती है, ये जो है आई थिंक सभी में आया हुआ है मुझे लगता है। ये जो यार उसका नाम भूल गया, उस त्यौहार का रिलेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी है, तो इंडोनेशियन एज ए मुस्लिम देश है, तो उसमें कुछ ऐसा ये त्यौहार का कुछ स्टार्ट हुआ था और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंट वगैरह और वो सब लगाए थे। उस समय शायद मेरे अंदर ये अपडेट हुआ नहीं था, और अभी मुझे लगता है ये बाइक वगैरह और ये सब चीज़ें आई है, पता नहीं नई नई कैसे आई है।
वैसे रिक्शा तो मैंने ही डाली है, पर बाकी ये बाइक वगैरह पता नहीं कौन सी देश से आई। अरे आंटी जी निकलो आप पहली फुर्सत में, कितनी बार बोला है बीच रास्ते में खड़े मत हुआ रखो, पर बीच में आने की आपकी आदत गई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो रही है धीरे धीरे करके, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आगे अपडेट में क्या कुछ चीज़ें होगी और मज़ा आएगा वो तो देखने को रहेगा ही। वैसे ये ट्रक एंड ट्रेलर वाला अपडेट देखते क्या कुछ गुल खिलाता है हमारे अंदर। वैसे हाल फिलहाल हम ड्राइव कर रहे हैं इस जगह पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही वाला ट्रैफिक है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे देगा। या तकलीफ़ यार, ट्रैफिक हो तो प्रॉब्लम, ट्रैफिक ना हो तो प्रॉब्लम, यार मुझे तो ऐसा है। पर यार ट्रैफिक में ड्राइव करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो तो हर बार की तरह मुझे आता ही है इस बार भी। और यार क्या ही मज़ा है। और रेड सिग्नल, ओके रेड सिग्नल आ गया है यार, काफ़ी हैवी ट्रैफिक है दोस्तों। यार श्रीनाथ की जो है बस वगैरह खड़ी हुई है साइड में, पीछे हमारे जो है मेसराटी हाँ वही कुछ नाम है, निकाल दे क्या हमें। वैसे भी लैगिंग है इशू काफ़ी ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत गेम में है, मुझे लगता है ये उसमें ही है। मैं साइड लाइट लेकर निकल ही लगता हूँ साइड में से, क्यों ही दिक्कत दूँ इन लोगों को। आगे एक और रेड लाइट है लगता है। निकल गए। बढ़िया से आराम से निकल गए हम। ये प्लॉट खाली क्यों है भाई, मैं ख़रीद लूँ क्या? ओके तो अब हमारी ये TNSTC बस चल रही है, इसके साथ आपको कई लिवरीज मिलती है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिवरीज वगैरह भी उसके डिस्क्रिप्शन में होगी, तो उस बंदे के और पासवर्ड वगैरह भी है। तो यार ऐसा नहीं कि बिना पासवर्ड के कुछ खुलेगा, और मुझे मत पूछना भाई पासवर्ड के बारे में, उस बंदे ने तो ऐसा लिखा हुआ है अगर आप पासवर्ड दे दिए तो हम आपके ऊपर स्ट्राइक ठोक देंगे। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीन है इन लोगों का भी, कोई बात नहीं, उनके भी यार कई चीज़ें हैं, उनको भी अपना चैनल चलाना है। और अब हम अपने डेपो पहुंच चुके हैं जिस डिपो पर हमें रुकना है, ये तो ग्रिल रिक का अड्डा है। चलो यार हमें अंदर जाना है, नीचे धीरे। देखो दोस्तों यार मैंने ये मोड रिव्यू करना बिल्कुल छोड़ दिया है, मोड रिव्यू ही नहीं करूँगा मैं, सिर्फ ड्राइव करूँगा, आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा सारी डिटेल में चीज़ें, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर अपने स्टॉप पर पहुँचे हैं। TNSTC का स्टॉप कहाँ पर है? इसका कोई स्टॉप नहीं है, तो मैं यहाँ पर खड़ी करता हूँ, तो क्योंकि ये गुजरात में पहली बार आई है, मेहमानों का हम स्वागत बढ़िया से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से रोक देते अपनी बस को, पैसेंजर वगैरह उतारने हैं तो उतार देते। वैसे ये बेचारा कब का खड़ा हुआ, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं है इसकी, लगता है क्या ही कर सकते, बवासी हो रखी है उसको लगता है। तो ठीक है यार दोस्तों, भाई रोक दी मैंने गाड़ी है, फिर भी ये आंटी बाहर देख रही है, पता नहीं क्या ही देखने को मिल रहा है उनको। तो दोस्तों ये था TNSTC प्राइव का जो बस मोड है, TNST प्राइवेट बस मोड नहीं है ये, मतलब बस मोड है TNSTC का। आई होप माय प्रोनाउंसिएशन सही है, अगर सही है तो यार अच्छा। तो यार ये था लगेज वगैरह जो है आपको देखने को मिलता है, एक्सपायर टायर भी देखने को मिलता है, सारी चीज़ें इस मोड में काफ़ी ज़्यादा बड़े। तो मतलब यार ये मोड जो है डाउनलोड करने लायक है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखे होंगे। एनिमेशन की बात करें यहाँ पर, तो कुछ इस तरह एनिमेशन की आपको देखने को मिलता है, स्पेयर टायर वगैरह आप नीचे उतार सकते हैं। बाकी यहाँ पर एनिमेशन की ये आपको एक देखने को मिलता है, ये आप देखिए यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। अब ये लास्ट में क्या हुआ मुझे नहीं, अच्छा ये बंदा आगे आ गया, पर क्यों भाई वह इसे मतलब क्या ही बोले। ठीक है तो कुछ इस तरह का आपको सिस्टम देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ मुद्दे की बात, दोस्तों मैंने मोड रिव्यू करना छोड़ दिया है, ये एक बड़ा इशू है, लोगों का भी कहना है और मेरा भी कहना है। मैंने पहले स्क्रीन रिव्यू छोड़ दिया था, मैं पहले स्क्रीन रिव्यू भी करता था, स्क्रीन
स्किन लगा के ड्राइव करता था बढ़िया से। पर अब दोस्तों यार मैं लिटरली बताऊँ, मैं 2-3 दिन से इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ चैनल के रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने डिसीज़न लिया जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैनल के लिए भी। एक्चुअली ये चीज़ मुझे मतलब एक अलग से वीडियो बनाने में कहने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि यार एक वीडियो अलग से बताऊंगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें और दिक्कतें का जो है सीन वो आपको पता चल जाएगा। तो चलो यार छोड़ो, आज नहीं बताते, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं अपने चैनल पर होने वाले चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा। 1-2 मिनट का वीडियो होगा और उसमें बाद आपको शायद एक न्यू चैनल देखने को मिले और शायद आपको पसंद भी आए, कईयों को नहीं भी आएगा, कईयों को आएगा, पता नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए आप सेफ रहिए, एज COVID-19 काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यार आप घर पे रहिए अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो यार ज़्यादा ध्यान रखिए अपने खुद का और अपने परिवार का भी। सो यार सी यू सून, टेक केयर। और यार हाँ, बाहर मत निकलिए, COVID-19 काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर रहा है सभी लोगों की, और हमें हमारे परिवार को हमें बचाना है इस बड़ी मुसीबत से। सो अदृश्य जो ये मुसीबत है उससे हमें छुटकारा पाना है, जल्द ही जल्द हम पा भी लेंगे, पर आपको तब तक ले स्टे सेफ रहना है और हेल्दी रहना है, कसरत वगैरह कीजिए, योगा वगैरह कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून।